दोस्तों इंडिया चांद पर पहुंच गया है, ये एक हकीकत है। 23 अगस्त को इंडिया दुनिया का चौथा वो मुल्क बन गया जिसका लैंडर चांद पर पहुंचा है। इससे पहले अमेरिका, चाइना और रशिया भी चांद पर लैंड कर चुके हैं। इंडिया ने चांद के साउथ पोल रीजन में लैंड किया है। चांद के इस हिस्से में पहले कोई मुल्क नहीं जा सका। कहते हैं कि चांद के इस हिस्से में पानी और बर्फ के ग्लेशियर मौजूद हैं, इसीलिए दुनिया भर के साइंटिस्ट इसी जगह को रिसर्च करना चाहते हैं। बर्फ की वजह से इस जगह पर लैंड करना बहुत ही मुश्किल था। चांद की ये जगह ऊंची नीची भी है, लेकिन इंडिया यहां तक पहुंचने में कामयाब हो गया। इस मिशन का मकसद भी यही था, अगर यहाँ से पानी और बर्फ को ढूंढ लिया जाए तो फ्यूचर में यहाँ इंसान भी रह सकते हैं। इसके जरिए वो स्पेसक्राफ्ट जो मार्स की तरफ जा रहे होंगे उनको भी मदद मिलेगी। दोस्तों इस मिशन का नाम चंद्रयान 3 था। जो मशीन चांद पर पहुंची है उसका नाम इन्होंने विक्रम रखा हुआ था। एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इंडिया ने ये मिशन बहुत ही कम पैसों में पूरा किया है। इंडिया के स्पेस एजेंसी का नाम इसरो है, यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। 2023 में इनका सालाना बजट तकरीबन 1.5 अरब डॉलर्स था, यानी तकरीबन 450 अरब पाकिस्तानी रुपीस। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये तो काफी बड़ी अमाउंट है। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन अगर आप इसको अमेरिका के स्पेस बजट से कंपेयर करें तो ये बहुत कम रकम बनती है। अमेरिका ने अपनी स्पेस एजेंसी नासा के लिए 2023 में तकरीबन 25 अरब डॉलर्स रखे थे, यानी इंडिया ने ये मिशन बहुत ही कम पैसों में पूरा कर लिया। दोस्तों इंडिया अपने स्पेस प्रोग्राम में बहुत आगे तक पहुंच चुका है। कभी इंडियन साइंटिस्ट साइकिल पर रॉकेट लेकर जाते थे, अब इनका लैंडर चांद तक पहुंच चुका है। लेकिन ये सफर आसान नहीं था। 2019 में चंद्रयान 2 मिशन भी लॉन्च किया था, लेकिन इनका लैंडर चांद पर लैंड करने से पहले ही तबाह हो गया था। लेकिन इस दफा ये चांद पर लैंड करने में कामयाब हो गए। दोस्तों यहाँ बहुत सारे लोग हमारे मुल्क पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी की बात कर रहे हैं, स्पार्को। दोस्तों क्या आप लोग जानते हैं कि कभी इंडिया की स्पेस एजेंसी से बहुत ही आगे थी, लेकिन हमारी स्पेस एजेंसी सबसे पीछे क्यों रह गई? दोस्तों ये साल था 1961 का, जब पाकिस्तान में एक नेशनल स्पेस एजेंसी सेट की गई थी। 1962 में तो पाकिस्तान ने अपना पहला रॉकेट भी लॉन्च कर दिया था, जिसका नाम रहबर 1 रखा गया था। पाकिस्तानी साइंटिस्ट ने अमेरिका जाकर बकायदा स्पेस टेक्नोलॉजी की तालीम भी हासिल की थी। ये बहुत ही बड़ी अचीवमेंट थी। पाकिस्तान दुनिया का सिर्फ वो 10वां मुल्क था जिसने एक स्पेस फ्लाइट लॉन्च की थी, यानी पाकिस्तान इंडिया से बहुत ही आगे था। लेकिन फिर ऐसा हुआ क्या कि इंडिया पाकिस्तान से इस मामले में आगे निकल गया? दोस्तों इस बात की सबसे बड़ी वजह तो ये है कि हमारे मुल्क में प्रोफेशन के लिहाज से एक आध प्रोफेशन के अलावा किसी चीज को प्रोफेशन माना ही नहीं जाता, यानी स्पेस टेक्नोलॉजी में हमारा इंटरेस्ट तकरीबन ना होने के बराबर है। हम आज भी बेसिक मसलों में उलझे हुए हैं, यानी बिजली, गैस और पेट्रोल वगैरह, यही कड़वा सच है। दूसरी वजह फंड्स का ना होना है। इंडिया ने अपनी स्पेस एजेंसी का बजट 2023 में 1.5 अरब डॉलर्स रखा था। हम सब जानते हैं कि हमारे लिए अभी ऐसा करना नामुमकिन है। वक्त के साथ साथ हमारी स्पेस एजेंसी स्पार्को को पैसे दिए ही नहीं गए। 1962 में हमने अपना पहला रॉकेट तो लॉन्च कर दिया, लेकिन फिर 1965 की जंग हो गई, जिसकी वजह से हमारा ध्यान हमारे मुल्क की सिक्योरिटी में ज्यादा लग गया। इंडिया ने भी हमारे साथ जंगें लड़ी थी, लेकिन इंडिया शायद अपने दूसरे मामलात भी साथ साथ लेकर चलता रहा, जिसमें स्पेस एजेंसी भी शामिल है। हमें ना उम्मीद नहीं होना चाहिए, हम उम्मीद ही कर सकते हैं कि आगे जाकर हमारी स्पेस एजेंसी के भी हालात बेहतर हो जाएंगे। दोस्तों पाकिस्तान के लिए दुआ जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन पर क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज़।